तो हेलो दोस्तों, तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं एंटमैन 3 के बारे में, जो कि फेज 5 की सबसे बड़ी मूवी होगी शायद। अब ये फेज 5 की सबसे बड़ी मूवी हो या ना हो, लेकिन ये थॉर लव एंड थंडर से तो अच्छी ही होगी, क्योंकि इस मूवी में कैंग द कॉन्करर है। अच्छा, ऐसा है तो थॉर लव एंड थंडर में भी तो गॉड द गॉड बचर था, वो क्यों फ्लॉप हुई? तो बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार, मैं इस मूवी के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये मूवी सेटअप करेगी एमसीयू के सेकंड बिगेस्ट विलन को। पहला तो अभी भी थैनोस ही है, और गॉड द गॉड बुचर का तो नाश पीट दिया मार्बल ने। तो ज्यादा बीच बीच में मत, अब चुपचाप हो जा। मुझे गैंग पर भरोसा है कि वो निराश नहीं करेगा गॉड द गॉड बुचर की तरह। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, एंटमैन 3 के प्लॉट लीक्स। हाँ, तो लीक्स ये है कि इस मूवी में कैंग होने वाला है। हाँ हाँ, सबर करो, ये तो सबको पता है। और जो कैंग एंटमैन 3 में होगा वो लोकी जितना भोला नहीं होगा, मतलब कि लोकी की सीजन में जो था वो उतना भोला नहीं होगा, वो काफी ब्रूटल होगा, जो पूरे क्वांटम रियल्स पर रूल करना चाहता है। और एक लीक ये है कि इसी वजह से कैंग द कॉन्करर मैडॉक को क्रिएट करेगा, जो कि और कोई नहीं, वो येलो जैकेट वाला कैरेक्टर ही होगा, जो कि एंटमैन 2 में क्वांटम में जाकर ऐसा हो जाता है, मतलब पूरा विलन ही हो जाता है। पहले से तो वो विलन था ही, लेकिन अब और ज्यादा बड़ा विलन हो जाता है। और ऐसा भी लीक सामने आया कि इस मूवी में हैंग पिंग की बीवी को सब पता होगा, मतलब कि कैंग के बारे में, क्योंकि जब हैंग पिंग की बीवी क्वांटम रियल में थी तभी वहां कैंग भी आया था, और इसी के कारण हमें मूवी में कैंग के बारे में पता चलेगा। मतलब कि यही सबको मूवी के अंदर बताएगी कैंग के बारे में, क्योंकि इसे वहां पर पता चल गया था कि कोई कैंग नाम का बंदा वहां पर जंग करवाना चाहता है, और अब वो शायद कामयाब हो गया है। और इस मूवी में हमें कैंग का फ्लैशबैक भी देखने मिलेगा, जिसमें हमें कैंग की पूरी बैक स्टोरी बताई जाएगी कि कैंग ने क्यों मोर्टो को बनाया, और वो ऐसा करना क्यों चाहता है। और अगर वो इस मूवी में अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो पूरी टाइमलाइन पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि एमसीयू में टाइम ट्रेवल का रास्ता क्वांटम रियल से ही जाता है। और अगर उसने टाइमलाइन पर कब्जा कर लिया तो यूं समझो कि वो अभी तक का सबसे बड़ा विलन होगा थैनोस से भी, क्योंकि वो कभी मर ही नहीं सकता, और इसी कारण से कॉमिक्स में भी कैंग जाना जाता है। और इस पूरी मूवी में हमें कैंग के अलावा एक चीज और भी देखने मिलेगी, बेबी सिटिंग, जो कि स्कॉट करेगा अपनी बेटी की, नेपोटिज्म, मतलब कि उसके अंदर भी सुपर हीरो बनने की इच्छा है, जो उसने अपने पिताजी को बनाई, और पिताजी अब उसे एवेंजर्स में ज्वाइन करवा देंगे। यार मार्वल, तुम्हें हो क्या गया है? बेबी सिटिंग ही करनी है तो अपने बच्चे करो ना पैदा। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत गालियां हो गई आज मार्वल के लिए।